गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो है चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित फलनों के लिए रॉले के प्रमेय को सत्यापित करें। इसका 8 नंबर देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 5 के 7 नंबर तक आपको बता दिया था। यहाँ देख रहे हैं, यह एक बहुपद फलन है। हमें 2 से 4 में इस अंतराल में हमें चेक करना है, रॉले प्रमेय को यहाँ सत्यापित करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि fx एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन है, एफ एक्स एक बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 2.4 में संतत और खुला अंतराल 2.4 में अवकलनीय होगा। ठीक है, चलिए संतत भी हो गया, अवकलनीय हो गया। चलिए अब मैं F2 और F4 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। F2 यहाँ 2 रखोगे तो 2 माइनस 3 और 2 माइनस 4 आएगा 0 × −1 × −2। देखते तो भैया 0 हो जाएगा। F4 का भी वैल्यू आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 4 माइनस 3 और 4 माइनस 4। एक से 4 पुट कर दिए तो हो जाएगा 2 × 1 × 0, तो ये भैया आपका 0 हो जाएगा। तो F2 F4 के बराबर। तब यहाँ रोल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस बंद अंतराल 2.4 में संतत हो गया, खुला अंतराल 2.4 में अवकलनीय हो गया और F2 F4 के बराबर हो गया। तो यहाँ हम लोग रोल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो Fx बराबर क्या दिया हुआ है, x − 2 x − 3 x − 4 इनटू में है सब। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से f′ बराबर क्या होगा, uvw, इसको डिफ्रेंशिएट करो 1 इनटू में आपका x − 3 इनटू में x − 4। चलिए प्लस इसको वैसे लिखेंगे x − 2 को और इनटू में इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 और फिर इसको वैसे ही x − 4 प्लस इन दोनों को ऐसे ही x − 2 x − 3 और x − 4 का डिफ्रेंसिएशन 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको इनटू कर लो ना, x² − 4x − 3x + 12। x² यहाँ इनटू करोगे −4x − 2x + 8, यहाँ हो जाएगा आपका x² − 3x − 2x + 6। देखो 3x² 3x² 4 × 3 7 7 और 4 11 11 2 13 13 और 3 16 और 2 19 19x। समझ गया ना, 18 होगा, मैंने 19 लिख दिया। चलिए 18 कर देता हूँ इसको, 18x। अच्छा अंक इनको जोड़ लेता हूँ, 12 8 20 और 20 6 26, ये आपका f′ आ गया। समझ रहे ना बात को। चलिए अब लिखेंगे बाय रॉल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, f′c = 0, यानी कि हो जाएगा 3c² − 18c + 26 = 0। तो यहाँ भी द्विघात सूत्र लगाना होगा, तो c बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का b, यानी माइनस मैं डायरेक्ट लिख रहा था, तो माइनस b यानी यही प्लस 18 हो जाता, प्लस माइनस √b² यानी कि −18² - 4 × 3 × 26 और बटा में 2 × 3। समझ गए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो c बराबर में हो जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 18 का माइनस 18 का स्क्वायर 324 माइनस 4 × 3 = 12 और 12 में 26 से गुना कर दो 312 और बटा में आपका 6। सी बराबर 18 प्लस माइनस, यहाँ घटेगा तो आपका 12 आएगा और बटा में 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो सी बराबर में हो जाएगा, यहाँ देखो 18 प्लस माइनस, इसे मैं 2√3 लिख सकता हूँ और बटा में 6। ऊपर कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, तो 9 + −√3/6 इसको काट सकते हैं 3 बार में, यानी c का मान जो आ गया 9 + −√3/3। तो यह आपका बिलोंग करेगा किसके बीच में, तो आपका अंतराल क्या था जी 2.4, तो 2.4 के बीच में है ना जी,
बिल्कुल यह 2,4 के बीच में लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है तो आपको पता है, इसका सिंप्लीफाई करके देख लो, 9 प्लस ये 1.73 और बटा में 3, तो यहाँ जोड़ोगे तो 10.73 बटा में 3, 3 तिया 9 लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसके बीच में ही ना है। उसी तरह अगर घटाते भी तो यहाँ पर आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कटेगा तो आपका 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो वो भी तो इसी के बीच में है ना। तो प्लस वाला भी लाई कर रहा है और माइनस वाला भी सत्यापित हो गया। चलिए 5 का 9 नंबर देखो, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अंतरा एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस 4 से 2 तक बीच में। चलिए यहाँ देखते हैं, एफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल माइनस 4,2 में संतत और खुला अंतराल माइनस 4,2 में अवकलनीय होगा। तो संतत और अवकलनीय हो गया। चलिए तो एफ माइनस 4 का वैल्यू निकालता हूं, माइनस 4 का स्क्वायर इसी फंक्शन में रखेंगे, प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस का 8, तो यहां 16 हो जाएगा, यहां माइनस का 8 और माइनस का 8 जीरो आ जाएगा। चलिए अगर मैं एफ 2 निकालू तो रखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 माइनस में 8, तो 4 प्लस 4 माइनस 8, तो यह घटेगा आपका जीरो ही आ जाएगा, जुड़ के 8 में से 8 गया जीरो। एफ माइनस 4 जो है एफ 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ रोल्स थ्योरम का प्रयोग हो सकता है। तो आपके पास एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो होगा वह 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे बाई रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर में 0, तो यहाँ सी रख दो तो हो जाएगा 2c प्लस 2 बराबर में 0, यानी 2c बराबर माइनस 2, यानी c बराबर माइनस 1 आ जाएगा, जो कि लाई कर रहा है माइनस 4 से 2 के बीच में, सत्यापित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी कारण निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित करें। चलिए यहाँ भी रोल थ्योरम को सत्यापित करना है। एफ एक्स एक कैसा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। एफ एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल क्या हो जाएगा, 0,π/2 में संतत और खुला अंतराल 0,π/2 में अवकलनीय होगा, संतत और अवकलनीय होगा। अब चलो मैं यहाँ पे एफ 0 का वैल्यू निकालता हूँ, तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, यानी कि साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, एफ पाई बाई 2, तो हो जाएगा साइन 2π/2, 2 से 2 कट गया, साइन पाई, तो साइन पाई बचा, तो साइन पाई का भी वैल्यू आपका 0 ही होता है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या दिखाया कि एफ 0 जो है बराबर है एफ पाई बाई 2 के। तो यहाँ देखो बंद अंतराल पे संतत हो गया, खुला अंतराल इस पे आपका अवकलनीय हो गया, और ये एफ 0 एफ पाई बाई 2 के बराबर एफ हो गया। तो यहाँ क्या देख रहा है कि एफ एक्स रॉले प्रमेय के, अंग्रेजी में लिख देता हूँ मैं, रॉल्स थ्योरम के सभी शर्तों को पूरा करता है। देख रहे हैं ना, सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। अब चलो, चूंकि आपका एफ एक्स बराबर में दिया है
साइन टू एक्स। चलो अब मैं इसका डिफरेंसिएशन निकालता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वह साइन का कॉस हो जाएगा और टू एक्स का टू हो जाएगा। अब लिखेंगे बाई रॉल्स थ्योरम। ठीक है, रॉल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका एफ डैश सी बराबर में जीरो, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे टू कॉस टू सी बराबर जीरो। ये भाग में कॉस टू सी बराबर जीरो बाई टू, यानी कि जीरो हो जाएगा, है ना। तो कॉस टू सी बराबर जीरो दिया है, तो मैं यहाँ पर जीरो से पाई बाई टू के लिए कह रहा है, जीरो से पाई बाई टू के लिए। तो जीरो से पाई बाई टू में कॉस में कितना का जीरो होता है, कॉस में कितना का जीरो होता है, तो कॉस में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कॉस टू सी बराबर में कॉस पाई बाई टू। कॉस 90 का होता है ना जी, यानी कि 2c बराबर में पाई बाई टू, ये चला जाएगा भाग में c इज इक्वल टू पाई बाई फोर, जो कि बिलोंग कर रहा है ना आपके 0 से पाई बाई टू के बीच में, ये सत्यापित हो गया। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ये यहाँ पे कॉस 2c बराबर जीरो में यहाँ c के बहुत सारे मान आएंगे, लेकिन हमें 0 से पाई बाई टू के लिए ही सोचना था, इसीलिए मैंने इसी को सिर्फ लिया है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए 6 का दो नंबर देखिए, यहाँ भी त्रिकोणमितीय फलन है एफ एक्स, एक त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है और यहां देख रहे हैं ये अंतराल दे रहा है, तो यहां लिखते हैं इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर में संतत और खुला अंतराल माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर में अवकलनीय है। संतत और अवकलनीय हो गया। चलिए अब मैं f माइनस पाई बाई फोर के वैल्यू की बात करता हूं, तो कॉस टू इंटू माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, यहां से ये कट जाएगा, कॉस माइनस का पाई बाई टू। अच्छा, कॉस माइनस पाई बाई टू यानी कि वही कॉस पाई बाई टू ही हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू यहाँ पे जीरो होता है। एफ पाई बाई फोर कॉस टू इंटू पाई बाई फोर कट जाएगा, कॉस पाई बाई टू, तो यहाँ भी इसका वैल्यू जीरो होता है। कॉस 90 का जीरो होता है ना जी, हमने दिखा दिया कि एफ माइनस पाई बाई फोर जो है एफ पाई बाई फोर के बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फलन जो है ना, चूंकि एफ एक्स फलन जो है, फलन एफ एक्स रॉल्स थ्योरम के सभी शर्तों को पूरा करता है। सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। चलिए अब देखो एफ एक्स बराबर में कॉस टू एक्स है ना, एफ एक्स बराबर में कॉस टू एक्स। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कॉस का माइनस साइन और टू एक्स का टू हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बाई रॉल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर में जीरो, यानी कि माइनस का टू साइन टू सी बराबर जीरो, ये चल जाएगा भाग में, यानी कि साइन टू सी बराबर जीरो। तो हमें कह रहा है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर तक में ही जाना है। तो यहां अगर मैं बात करूं जीरो की, तो साइन में या साइन कितना का हो जाएगा, साइन जीरो का हो जाएगा, साइन जीरो का हो जाएगा ना, यानी कि टू सी बराबर में जीरो, यानी सी बराबर में आ जाएगा जीरो बटा टू, यानी कि जीरो, जो कि लाई कर रहा है आपके किसके, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच। तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक और काम कर सकते थे, इतना के बाद हम चाहते हैं यहाँ पे, तो साइन टू सी बराबर में जीरो है, इसलिए मैं क्या कर देता यहाँ पे टू सी बराबर में एन पाई, जहाँ एन 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 बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड होता और यहाँ पे आ जाता सी इज इक्वल टू एन पाई बटा टू,
तो यहाँ पे क्या होता, आप n के जगह कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, बहुत सारे वैल्यू मिल सकते हैं, माइनस में प्लस में बहुत सारे। लेकिन मैंने इसलिए इसने रखा क्योंकि अंतराल आपका छोटा था, बड़ा अंतराल रहता तो मैं इस तरह से चलता, ये फॉर्मूले लगा के चलता, हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी क्लास 11th में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड नंबर 6 का, यहाँ भी आपका त्रिकोणमितीय फलन है fx एक त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, फलन है, ठीक है। इसलिए fx बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल 0.π/2 में संतत और खुला अंतराल, खुला अंतराल 0.π/2 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। अच्छा आपके मन में सवाल उठोगा ना कि सर कब लिखेंगे कि संतत नहीं है चाहे अवकलनीय नहीं है, तो उसके लिए आगे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें, जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा उस तरह का जब होगा तब हम लोग बात करेंगे, अभी पहले इसको देख लो। चलो संतत अवकलनीय हो गया, एफ जीरो का वैल्यू साइन जीरो कॉस जीरो और माइनस वन, साइन जीरो का जीरो कॉस जीरो का वन, वन में से बन गया जीरो, एफ पाई बाई टू साइन पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस वन, यहां वन यहां जीरो यहां वन, ये भी जीरो आ गया। तो हम देख रहे हैं कि एफ जीरो जो है एफ पाई बाई टू के बराबर हो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स, एफ एक्स रॉल्स प्रमेय के, रॉल्स थ्योरम के, रॉल्स थ्योरम के सभी शर्तों को पूरा करता है, सभी शर्तों को पूरा करता है, पूरा करता है। अच्छा पूरा कर रहा है तो अब देखो एफ एक्स बराबर क्या दिया है आपके पास, है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन। यहाँ रॉल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर में साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, और कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो हो गया, यही ना आ गया। चलिए बाई रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, ठीक है क्या हो जाएगा एफ डैश सी बराबर में जीरो, यानी कि हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर में जीरो, ठीक है। इसको उधर ले जाता हूँ तो माइनस साइन एक्स बराबर में माइनस का कॉस एक्स, माइनस माइनस काट दो, इसको लाएंगे भाग में तो साइन बट्टा कॉस टेन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना टेन एक्स बराबर वन, समझ गया ना क्या होगा, यहाँ पे यह भाग में आ गया साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स और बराबर में वन। चलिए टेन एक्स बराबर वन, तो टेन में वन कितना डिग्री का होता है, और ये भी ध्यान रखना कि अंतराल आपका क्या है, भैया अंतराल हमारा जीरो से पाई बाई टू है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टेन पाई बाई फोर लिख देता हूँ, यानी कि एक्स बराबर में, सॉरी सॉरी मैं x के जगह x x ही छोड़ दिया हूँ, c लिखना चाहिए था ना मुझे, यहाँ जहाँ जहाँ एफ एक्स लिया c मैंने नहीं लिखा है, चलो मैं c इसको बना देता हूँ, ध्यान नहीं दिया मैंने और आप लोग भी नहीं बोले, चलिए मैं c कर देता हूँ इसको, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan c x की जगह मैंने सिर्फ c बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से c बराबर में आ गया पाई बाई फोर, जो कि लाई कर रहा है, जो है ना लाई कर रहा है ना आपके जीरो से पाई बाई टू के बीच में, तो ये सत्यापित तो हो गया, तो एक बिंदु मिल गया हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए चार नंबर देखते हैं छः का, एफ एक्स में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया है। अच्छा यहाँ पे दिया है कि एफ एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल 0.2π में संतत और खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल 0.2π में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, समझ गए। चलिए अब f जीरो का वैल्यू निकालो, कॉस जीरो प्लस में साइन जीरो, कॉस जीरो का वन साइन जीरो का जीरो यानी वन आ गया। f 2π का वैल्यू निकालते हैं, हो जाएगा कॉस 2π और प्लस में साइन 2π। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे ये आपको पता है 1 0
यहाँ पे 01 माइनस 1.0 और 0.1 यह माइनस 1। ये आपको पता है कि यह कॉस के लिए दूसरा साइन के लिए होता है, तो 2 पाई चल रहा है ना, 2 पाई यहाँ पे 1 पाई और ये 2 पाई, ये हो जाएंगे, ये कॉस का वैल्यू, ये साइन में, ये कॉस 2 पाई का या साइन 2 पाई का, तो कॉस 2 पाई का आपका 1 और साइन 2 पाई का 0, यानी कि 1 आ गया। तो देख रहे हैं कि एफ 0 भी बराबर है एफ 2 पाई के। ये सब आपको मैंने 11th में पढ़ा रखा है, तो ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो यहाँ लिख देखते हैं कि चूंकि एफ एक्स रॉल्स थ्योरम के सभी शर्तों को पूरा करता है। अब चलो एफ एक्स बराबर क्या है आपके पास, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स कॉस का माइनस साइन और साइन का यहाँ पे कॉस। चलिए अब लिखेंगे बाई रॉल्स थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डैश सी बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन सी प्लस का कॉस सी बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए तो इसको इधर भेजते हैं, माइनस का साइन सी बराबर में माइनस का कॉस सी, माइनस माइनस काट दो, ये आ जाएगा भाग में, तो साइन सी बटा में कॉस सी बराबर 1, तो टेन सी बराबर 1, तो 1 टेन में पाई बाई 4 का होता है, टेन पाई बाई 4। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ाए आपको कि यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े हुए 11th में, तो थीटा बराबर होता है एन पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे थीटा, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड, जहाँ एन बिलोंग करता है जेड को, तो इसके अकॉर्डिंग सी बराबर में हो जाएगा एन पाई प्लस में पाई बाई 4 और जहाँ एन बिलोंग्स करता है जेड से। तो यहाँ पे अगर इंटीजर की बात करें तो एन के जगह कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, माइनस में प्लस में। तो अगर सुनो, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, एन के जगह 0 रखूँ, तो सी बराबर पाई बाई 4 प्राप्त होगा, माइनस में रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में तो हमारा अंतराल दिया नहीं था, अच्छा प्लस में रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो पाई हो जाएगा और प्लस में पाई बाई 4 जोड़ोगे तो 5π/4, दूसरा मान 5π/4 होगा, यही दो होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बिलोंग्स कर रहा है आपके 0 से 2π के बीच में, और इससे कोई बड़ा रखेंगे, 3 रखेंगे तो इससे एक्स्ट्रा ना, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 2 रखेंगे तो वो तो इससे एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसके बीच लाई नहीं करेगा, तो यही ना दो लाई करेंगे, ये आपका सत्यापित हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि रोले प्रमेय का सी निकालें, जहां पे, अच्छा चलो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ एफ एक्स साइन एक्स दिया है और 0 से π/2, यहाँ अंतराल आपका 0 से π तक है, यही ना है आपका। चलिए देखते हैं, एफ एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 0 to π में संतत और खुला अंतराल 0 से π में अवकलनीय होगा, ठीक है, संतत और अवकलनीय हो गया। चलिए अब जब संतत और अवकलनीय हो गया, तो चलिए अब निकालते हैं एफ 0 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा साइन 0 जो कि 0 होता है, एफ पाई का वैल्यू तो आपका हो जाएगा साइन पाई, ये भी आपका 0 होता है। हमने देखा कि एफ 0 जो है एफ पाई के बराबर हो गया, तो क्या देख रहा है कि एफ एक्स रॉले थ्योरम के सभी शर्तों को पूरा करता है या कर रहा है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर दिया है आपके पास साइन एक्स, इसको अवकलज निकालते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स बराबर में कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स
कॉस एक्स। चलिए अब देखते हैं इसके बाद बाय रॉल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, एफ डैश सी बराबर जीरो, यानी कि कॉस सी बराबर में जीरो। ठीक है, चलिए तो यहां से हो जाएगा कॉस सी बराबर जीरो, और अंतराल दिया है जीरो से पाई बाई टू, तो कॉस में जीरो कितना किसके लिए हो, पाई बाई टू के लिए ना, पाई बाई टू के लिए हो जाएगा, यानी कि यहाँ सी बराबर पाई बाई टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, एन बिलोंग्स टू, सॉरी सी इज इक्वल टू पाई बाई टू, और यहाँ पे यह बिलोंग्स कर रहा है ना आपके जीरो से पाई के बीच में सत्यापित। ठीक है, तो यहाँ बड़ा अंतराल होता ना तब हम लोग वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के चलते हैं। सेवन का थर्ड नंबर देखा जा सकता है, चूंकि एफ एक्स यहाँ क्या है, एफ एक्स एक बहुपद फलन, ऐसे तो इजी है बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल क्या होगा, माइनस रूट टू में संतत, और खुला अंतराल आपका क्या हो जाएगा, -√2 और √2 में अवकलनीय होगा। संतत और अवकलनीय हो गया। अच्छा देखो f -√2 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 × -√2 का क्यूब प्लस -√2 का स्क्वायर और -4 × -√2, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका -√2 और यहाँ +2 और यहाँ +4√2, यहाँ -4√2 +2 +4√2, यह कट जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए f√2 रखते हैं, 2 × √2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर -4√2, एक्स की जगह √2 रख दिया अब की बार, तो यहाँ वही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2√2 +2 -4√2, ये देखो 2 × 2 = 4√2, ये यहाँ भी आपका 2 बच जाएगा। चलिए तो देख रहे हैं f√2 के बराबर क्या देख रहे हैं, कि चूंकि एफ एक्स रॉले थ्योरम्स के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। ठीक है, सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। चलिए अब इसके बाद एफ एक्स बराबर चूंकि दिया हुआ है 2x³ प्लस का x² माइनस का 4x, चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, 3 × 6x² प्लस का 2x माइनस का 4, यहाँ चाहो तो कुछ कॉमन हो सकता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस का x माइनस का 2। चलिए बाई रॉल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर जीरो, यानी कि 2 × 3c² प्लस का c माइनस का 2 बराबर में जीरो, या दो जाएगा भाग में बच जाएगा आपका 3c² प्लस का c माइनस का 2 बराबर जीरो, इसका गुणनखंड करो 3c² प्लस का हो जाएगा 3c और माइनस का 2c माइनस 2 बराबर में जीरो, घटेगा तो c गुना होगा तो माइनस, इन दोनों के गुना के बराबर, 3c कॉमन करो c प्लस 1, माइनस 2 कॉमन करो c प्लस 1, चलिए c प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 3c माइनस 2 अलग अलग कर दो, c प्लस 1 बराबर 0 और 3c माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से c बराबर माइनस का 1, यहाँ 3c बराबर 2 यानी कि c बराबर में 2/3, तो यहाँ c के दो मान आए, c बराबर में माइनस 1 आया और 2/3, और यह बिलोंग्स कर रहा है आपके -√2 से √2 के बीच में, दोनों बिलोंग कर रहा है, अतः यहाँ से यह सत्यापित हो गया, यह हमने सी का मान निकाल लिया, सी का मान निकल गया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।